नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो कुछ अलग सा टाइप का है दोस्तों, क्योंकि ये नाम सुनने में तो आपको बहुत ही अजीब सा लगेगा, लेकिन लगभग लोगों को ये सपना आता है, क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा हमें अजीब सा इसलिए लगता है कि हम एक बार तो सोचते हैं कि यार क्या ऐसा सपना आ सकता है, लेकिन जी हाँ, ऐसे सपने काफ़ी लोगों को आया है। कल ही मेरे एक डियर फ्रेंड को आया है, उसने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि इस टाइप का सपना आया है तो उसका जवाब दीजिए, इसलिए उनके अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि जैसे मेरे को आज ये सपना आया है, हो सकता है कल किसी को और को भी आए, इसलिए इस टाइप के वीडियो बनाएं। सपना क्या है दोस्तों? सपना है कि सपने में आपको लेटरिंग जाना देखना, पोटी करते हुए देखना, पोटी को देखना, ये सपना कैसा है? हो सकता है एक बार आपको भी अजीब लगा हो मल को देखना, कि सपना ऐसा हो सकता है क्या, आ सकता है? जी हाँ, ऐसा सपना बहुत सारे लोगों को आता है। हम एक बार घबरा भी जाते हैं कि ऐसा सपना आज कैसे आया, लेकिन क्या आप जानते हैं इस सपने का अर्थ क्या होता है, अच्छा होता है या बुरा? वीडियो एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में काफ़ी ऐसी बातें बताऊँगी जो आपके लायक होती है, आपके बहुत ही उपयोग की होगी। सपने में लेटरिन जाना देखना, अगर ऐसे सपने आपको आ रहे हैं तो आपको उन सपनों का मतलब क्या है ये जान लेना आवश्यक होता है, क्योंकि सपने में लेटरिन देखना यह एक आम सपना नहीं है। आम तौर पर लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। यह सपना हमारे जीवन में होने वाले बदलाव के बारे में आपको बताते हैं। काफ़ी सपने तो दोस्तों ऐसे होते हैं जो हम सुबह दिन में सोचते हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है हमारे दिमाग में वही चलता है, वो हमारे सपने में भी आ जाता है, लेकिन लेटरिन का सपना हम कभी ना सोचते हैं ना देखते हैं, लेकिन ये सपना आ जाता है फिर भी हमें। क्यों आ जाता है वो आज आप इस वीडियो में जान लेना। हर कोई इंसान, व्यक्ति, जानवर लेटरिन करने जाता है, पोटी करने के कारण उसका शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये सपना भी हमारा अच्छा होता है या नहीं? इसलिए आज इस वीडियो को हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अब स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने सपने में लेटरिन देखा है तो वो सपना आपके लिए कैसा होगा। उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं और आपको भी काफ़ी सारे सपने आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं सपने में लेटरिन देखना। वैसे देखा जाए तो अगर आप सपने में पोटी देख रहे हैं तो इस सपने का अर्थ है शुभ होना। ये सपना आपको धन का लाभ दे सकता है, धन लाभ होगा आपके, काफ़ी मात्रा में आपको धन संबंधी समस्याएं थी वो दूर हो जाएगी और धन मिलने की संभावना है। इस सपने का स्वप्न फल ऐसा भी है, इससे आपकी सेहत स्वस्थ रहने वाली है। अगर आप काफ़ी दिनों से किसी बीमारी से जूझ रहे हो, कोई बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो दोस्तों ये सपना देखने के बाद वो बीमारी आपका पीछा छोड़ देगी, आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सपने में लेटरिन करना, वो तो था देखना, अब करना कैसा होगा। हर कोई लेटरिन करता है, लेकिन अगर यह उसके सपने में दिखाई दे तो उस सपने का कुछ अलग ही मतलब होता है। अगर आप सपने में मल करते हुए देख रहे हो तो चाहे वह खुद को करते हुए देखते हो या दूसरे को या छोटे बच्चे को करते देखते हैं, तो इस सपने का स्वप्न फल आपका बिजनेस अच्छा भाग आगे बढ़ेगा, आपकी प्रगति होगी, उन्नति होगी। बहुत ही अच्छा सपना है दोस्तों। हम एक बार सोचते हैं तब तो हमें लगता है कि ऐसा सपना हमें क्यों आया है, लेकिन ये सपना देखना भी अच्छा माना जाता है दोस्तों, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने का संकेत मिलता है हमें। सपने में गंदा बाथरूम देखना, पखाना देखना, कैसा होता है ये हमारा सपना? अगर आप अपने सपने में गंदा पखाना देख रहे हैं, बाथरूम देख रहे हैं, तो इस सपने का ये मतलब होता है कि आपको लोगों से संभल कर बात करनी है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आप बात कर रहे हो उस बात के कारण उन्हें आप पर चिढ़ आ रही है। आपको बात करते समय सोच समझ कर बात करनी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आप अच्छी सोच के बात कर रहे हो लेकिन वो बात आपकी गलत हो सकती है,
और उस अगले को वो बात गलत लग जाए। इसलिए आप अगर इस टाइप का सपना देखते हैं, सपने में गंदा बाथरूम देखते हैं, तो उस टाइम आप जो भी बात बोले वो सोच समझकर ही बोलने चाहिए, वरना आप पे उल्टी पड़ सकती है वो बात। अब हम बात करते हैं सपने में पोटी साफ करते हैं तो कैसा होता है। दोस्तों, अगर आप अपने सपने में पोटी साफ कर रहे हो तो इससे आपके काम करने में देरी होगी। ऐसा स्वप्न फल सपने शास्त्र में लिखा है, अपने काम में करने में रुकावट आना। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में रुकावट आ जाएगी अगर आपने इस टाइप का सपना देखा है। वो सपना देखने के बाद में आपको उस काम में एक बार रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर आप जानबूझ के भी उस कार्य को करेंगे तो वो कार्य सफल नहीं होगा, उसमें किसी ना किसी तरह से रुकावट आ ही जाएगी। इसलिए उस टाइम उस कार्य को नहीं करना चाहिए। अगर आपने सपने में टूटा हुआ टॉयलेट देखा है तो वो सपना कैसा होता है। अगर आप किसी भी फालतू की बकवास या कोई अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिससे जूझ रहे हैं, बातों पर विचार करते रहते हैं, तो कृपया करके तुरंत उसे करना बंद कर दें, क्योंकि ऐसी बातों से आपका उस कार्य में मन नहीं लगेगा। इसलिए अगर आपने सपने में टूटा हुआ टॉयलेट देखा है तो उसी टाइम जो भी बात आपके माइंड में इर्द गिर्द घूमती है उन बातों को अपने माइंड से निकाल दे या बात करनी बंद कर दे। अगर आपने सपने में पेट में पोटी करते हुए देख लिया है, पैंट में पोटी करते हुए देखा है, तो वो सपना आपका कैसा होता है। जिस तरह छोटे बच्चे अपने कपड़ों में पोटी करते हैं, उसी तरह अगर आपने अपने कपड़ों में ही पोटी करते हुए देख लिया है, इर्द गिर्द ऐसा देख लिया है कि आपके पोटी है, तो कैसा होगा। तो दोस्तों, इस सपने का मतलब है आप अपने अंदर जो कमियां हैं वह किसी और को मत बताइए, क्योंकि आपकी कमियों के कारण लोग आपकी मजाक उड़ा सकते हैं और आप पे हंसेंगे भी। इसलिए आपने इस टाइप का सपना देखा है पेंट में पोटी करते हुए, तो आपको थोड़ा संभल जाना है। आप अपनी कमियां, अपनी गलतियां जो भी आपके अंदर है वो दूसरों को मत बताइए, वरना आपकी मजाक बन जाएगी। अगर आपने सपने में ये देखा है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारी जगह मल पड़ा हुआ है, गंदगी फैली हुई है, आप अपने आप को भी गंदगी में देख रहे हैं, तो कैसा होगा। तो दोस्तों, ये सपना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपके साथ यानी कि आपने ये देखा है चारों तरफ गंदगी हो रही है। आप इतने समय से जिस तनाव से जूझ रहे थे वो तनाव आपका दूर हो जाएगा, और आपकी अगर किसी प्रकार की बीमारी थी तो वो बीमारी भी दूर हो जाएगी। ये सपना देखना आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज का सपना आपको वीडियो यानी सपने का जो वीडियो था वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपको किसी भी टाइप का सपना आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको तुरंत दिया जाएगा। उसी के साथ आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन प्रेस करने से आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा जो भी वीडियो बनेगा। इसके अलावा भी आपके जो भी अंग फड़कते हैं दोस्तों, उनके भी काफ़ी वीडियो शेयर किए गए हैं, उन्हें भी देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।